तो कर्म में सबसे पहला नाम आता है पैराबोला। ठीक है, पैराबोला में एक एल है शायद, पैराबोला एक नाम आता है। अगर वाई या एक्स में एक एक पावर होती थी तो वो लाइन होता था, वन वन पावर, वो भी ऊपर, तो वो क्या होता था? लाइन। अब वाई या एक्स में किसी एक में डबल पावर हो जाए, है ना, डबल पावर होना चाहिए किसमें? इन एक्स और वाई, किसी एक में डबल पावर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? पैराबोला। तो हम लोग उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके मैथ वाले तरीके से नहीं पढ़ेंगे, कि मैथ में पता नहीं क्या क्या बातें करते, पूरा टॉपिक है, 5-6 दिन चलता है, ऐसे हमें नहीं पढ़ना है, हमको फिजिक्स के पर्पज के हिसाब से पढ़ना है। तो यार सबसे बेसिक एक ग्राफ में बना रहा हूं वाई बराबर एक्स स्क्वायर, हम सीधे इसको बना के देखेंगे, समझ में आ जाएगा कैसे काम कर रहा है। ये पैराबोलिक इक्वेशन है, इसमें एक्स में पावर है, अगर कोई ऐसे लिख दे एक्स बराबर वाई स्क्वायर तो ये भी पैराबोलिक इक्वेशन है, इसमें एक्स में पावर है उसमें वाई में पावर है। तो हम सीधे ड्रॉ करके देखते हैं, मुझे बताओ अगर मैं इसमें एक्स जीरो डालू, जीरो, तो वाई होगा जीरो का स्क्वायर, कितना आएगा? अगर मैं एक्स वन डालू क्या आएगा? अच्छा, एक्स में अगर माइनस वन डालू तो भी वन आएगा, स्क्वायर करने पे तो वन ही होता है। एक्स अगर मैं टू डालू फोर आएगा, एक्स अगर मैं माइनस टू डालू, कुछ भी डालो प्लस माइनस टू, ऐसे लिख दो, मतलब मैं दो बातें एक साथ कर रहा हूं, प्लस माइनस टू। बताओ एक्स बराबर प्लस माइनस थ्री डालेंगे तो चाहे प्लस थ्री हो चाहे माइनस थ्री हो, स्क्वायर करने पे बस इतना बहुत है ड्रॉ करने के लिए। जरा इस बात को, इस ग्राफ को हम सीधे ड्रॉ करते हैं बिना किसी और थ्योरी में जाए। एक्स जीरो के करस्पॉन्डिंग ऊंचाई कितनी है? जीरो, तो जीरो ऊंचाई पे हमने डॉट रख दिया, ऊंचाई पे डॉट रखना होता है। एक्स वन के करस्पॉन्डिंग कितनी ऊंचाई है? वन, तो वन ऊंचाई पे हमने, जितना एक्स में उतना। टू के करस्पॉन्डिंग कितनी ऊंचाई है? तो एक दो तीन चार, यहां डॉट रख दिया। थ्री के करस्पॉन्डिंग बहुत ज्यादा। तो अगर ये ग्राफ कोई बनाएगा तो ये कुछ ऐसा कर्व आएगा, क्या ये बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, माइनस वन पे जितनी ऊंचाई यहां थी उतनी यहां है, यानी क्या जैसा ग्राफ प्लस वन के लिए था वैसा ही किसके लिए है? माइनस वन के लिए। तो ये क्या हमने सीधे रख के बता लिया कि ये पैराबोला है? क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? एक्स इक्वल टू, अब इसमें मैं, चलो ये मैंने बना दिया है, ये वाला देखते हैं। मैं पहले सीधे बना के दिखा रहा हूं, कोई भी चीज का अगर कारण ना समझ में आए तो दो चार वैल्यू डालो, ग्राफ अपने आप बन जाएगा, है ना। उसकी ज्यादा डिटेल में, ज्यादा टेक्निकल तरीके से या ज्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करके नहीं समझना है। यहां मुझे बताओ, अब मैं यहां पर एक्स नहीं वाई डाल के बात करता हूं, बताओ यार वाई जीरो पे एक्स कितना आएगा? वाई प्लस माइनस वन पे क्या आएगा, है ना? फिर वाई प्लस माइनस टू पे एक्स कितना आएगा? फोर। चलो अभी ड्रॉ करते, ड्रॉ करते समय तो हम ऐसे सीधा चलेंगे। बताओ एक्स जीरो के लिए वाई कितना है? एक्स वन के लिए वाई कितना है? नो, एक्स वन के लिए वाई प्लस वन भी है, माइनस वन भी है इसके लिए। टू के लिए वाई कितना है? प्लस फोर भी है, माइनस फोर भी है। थ्री के लिए प्लस नाइन भी है। अगर इन सारे डॉट को कोई मिलाएगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, क्या बात समझ पा रहे हैं? तो बेसिक पैराबोला यही है जो मैंने अभी बनाया है, क्लियर है? नोट करना है, ये नोट करना है भाई, कैसे समझाओगे अपने आप को?
ये मैंने थोड़ा सा यहाँ का स्केल छोटा छोटा कर दिया है, ऐसे सोचो यार, वन टू के करस्पॉन्डिंग ये 4 है, ठीक है, और 3 के करस्पॉन्डिंग ये 9 है, ऐसा, ठीक है, बहुत परफेक्ट नहीं है, यहाँ ऊंचाई में थोड़ा छोटा छोटा कर दिया है, बेसिक शेप यही रहेगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इधर y बराबर 2x² लिख देता, 2x² 2 से मल्टीप्लाई कर देता, तो आंसर्स में क्या फर्क पड़ता? ये भी 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से, ये भी 2 से, लेकिन क्या अगर मैं उसको ड्रॉ करता तो थोड़ा और तेजी से ऊंचा जाता, उसके बेसिक नेचर में कोई फर्क ना आता? यानी इन जनरल मैं क्या कह सकता हूं कि y बराबर ax² जहां a कोई कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो इसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा, नहीं? अच्छा बता, यहां पर मैं इसको 2 रखने के बजाय -2 रख देता, क्या फर्क पड़ता ग्राफ में? यार जो चीजें पॉजिटिव आ रही थी वो कैसी आने लगती? नेगेटिव, यानी वो ग्राफ ऊपर बनने के बजाय नीचे बन जाता, यानी वो भी क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो वो भी पैराबोला होता, नीचे आता। रही बात कंफ्यूजन क्या है कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, तुम यार एक्स वन डाल के देखते, जैसे मान लिया वाई बराबर -2x² हो, तो बताओ एक्स वन डालने पे वाई कैसा आता? नेगेटिव, यानी इसका मतलब वन डालने पे डॉट यहां बनेगा, प्लस वन डालने पे, माइनस वन डालने पे भी नेगेटिव बनेगा, यानी ग्राफ नीचे होना ही चाहिए, होना ही चाहिए कि नहीं? तो यानी y बराबर x² में कुछ मल्टीप्लाई कर दो पॉजिटिव, तो नेचर वही रहेगा, थोड़ा तेजी से ऊपर जाएगा या थोड़ा धीमे ऊपर जाएगा, नेगेटिव कर देने पे ग्राफ नीचे हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही? इसमें और भी बदलाव किए जा सकते हैं, उनको हम एक साथ पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझे बेसिक ग्राफ क्या है। बेसिक ग्राफ समझ में आ गया, ठीक है? नोट कर ले, नोट कर ले। ये y बराबर x² है तो ये पैराबोला है, मैंने इधर नहीं बनाया, तो कोई आपत्ति किसी को? देखो फिजिक्स में कई बार x पैरामीटर नेगेटिव के लिए डिफाइंड होता है, कई बार नहीं होता है। जैसे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन का ग्राफ करूं तो x पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, पोटेंशियल जी दोनों तरफ ड्रॉ हो सकती है। लेकिन अगर कोई कहे कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, वेलोसिटी बराबर t², v बराबर t², है ना, तो मुझे बताओ क्या टाइम पॉजिटिव होता है? नेगेटिव, तो वहां ग्राफ ड्रॉ करने का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए हम ग्राफ आधा बनाएंगे। आधा बनाने से नेचर नहीं बदला है, है ना, रेंज बदल गई है कि x टाइम केवल पॉजिटिव हो सकता है, तो नेगेटिव में हमने बनाया नहीं है। तो कई जगह तुम्हें ग्राफ आधा ही देखने को मिले, इससे घबराने की जरूरत, तब भी वो पैराबोला ही है। बात क्लियर है? अच्छा इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दें तो थोड़ा सा ऊपर चले जाएगा, 10 मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर चला जाएगा, है ना, माइनस मल्टीप्लाई कर दें नीचे। ये हमारे दिमाग में चलना चाहिए, जब मैं ये बोलूं तो तुम्हारे दिमाग में सारी चीजें चलना चाहिए कि थोड़ा सा 2 कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेचर वही रहता है, 3 कर दो तो भी वही रहता है नेचर में कोई फर्क, माइनस कर दो तो नीचे आ जाता है सब वही। अगर मैं x² की जगह x³ कर दूं तो क्या होगा? चलो इसको मैं ax² लिख देता हूं, इन जनरल ax² अगर मैं ax³ लिख दूं तो क्या होगा? अगर मैं y बराबर ax³ लिख दूंगा तो इससे ये ग्राफ ऊपर बनेगा, ये हम चाहे जहां बना दें इससे ऊपर बनेगा, 4 कर दें, 5 कर दें, यानी इन जनरल y बराबर ax की पावर n और n 1 से बड़ा है,
तो ये ग्राफ ऊपर होता चला जाएगा, है ना। अब ऐसा हो सकता है कि कहीं लिखा हो y बराबर x की पावर 10 और ग्राफ तुम्हें ऐसा दिया हो, भाई कंपैरिजन करने के लिए कुछ है ही नहीं तो वो भी सही है। अब कोई ये ना कहे सर ज्यादा ऊंचा लग नहीं रहा है, कह सकता है कि सर जितना आपने बताया था 4 पे तो इसका मतलब 10 वाला इधर आएगा, लेकिन आंसर तो ऑप्शन में यही था तो यही टिक कर दो यार। अब उसमें कोई हम नाप थोड़ी रहे सेंटीमीटर लेके कि एग्जैक्टली कितना है। हाँ कंपैरिजन आ जाए कि एक रिलेशन एक्स स्क्वायर वाला है, एक एक्स की पावर 4 वाला है, तो तुम्हें ये अंदाजा होना चाहिए किसको ऊपर बनाना है किसको नीचे बनाना है। बात क्लियर है। तो इनमें से पैराबोला केवल एक ही है, ये है पैराबोला, बाकी सब क्या है सिमिलर टू पैराबोला है, उनको पैराबोला नहीं कह सकते हैं बट है सब वैसे ही। तो पैराबोला हमने देख लिया है उसके इधर उधर वाली बातें हैं, अब चाहे जितनी पावर कर दो नेचर वही रहेगा। और क्या हो सकता है सिमिलर टू पैराबोला में और क्या क्या? अच्छा इसके सबके एग्जाम्पल कुछ याद आ रहे हैं तुम लोगों को फिजिक्स में? जैसे v बराबर t स्क्वायर है ये ग्राफ बन गया, t क्यूब कुछ भी है तो ऐसा बन गया, है ना। पोटेंशियल जी किसी को याद है? u बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, ऐसे ग्राफ होगा भाई u और x ग्राफ कोई पूछे तो कैसा ग्राफ होगा? ऐसे ग्राफ होगा। और ये ग्राफ इधर इधर दोनों तरफ बनाया जाएगा क्योंकि पोटेंशियल जी ये x पोजीशन होता है, समझ रहे हो। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, कोई पूछे k और v के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला। तो फिजिक्स में यार क्या ऐसी चीजें भरी पड़ी हैं, जैसे अभी तुमने मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ा है? मॉडर्न फिजिक्स में हमने रेडियस बराबर समथिंग इनटू एन स्क्वायर बाय जेड पढ़ा है। कोई आर और एन का ग्राफ पूछे पैराबोला, या टाइम पीरियड हम लोगों ने एन क्यूब पढ़ा है तो पैराबोला नहीं लिख सकते उसको, सिमिलर टू पैराबोला होगा नेचर। क्या इतने सारे फॉर्मूलों के ग्राफ हमने इधर सीख लिए हैं? अब हर टॉपिक में हम ना भी बोलें तो तुम समझ जाओगे कि नहीं, है ना, क्योंकि हर टॉपिक में चर्चा बस इसलिए होती है क्योंकि वो फैशन में चल रहे हैं, क्वेश्चन ही आउट ऑफ द फैशन आ गया तो हमें नेचर पता होना चाहिए, हम सब समझ लेंगे। क्लियर है भाई? अभी मैंने यार यहां एक कैटेगरी केस वन बनाया है जिसमें एन वन से बड़ा है। क्या एन वन से छोटा हो सकता है और जीरो से बड़ा? यानी जैसे एन हाफ हो, एन हाफ होगा तो बताओ वाई बराबर क्या बन गया? ए एक्स की पावर हाफ या वाई बराबर ए अंडर रूट एक्स, ऐसा बन गया तब क्या? हाँ क्या लगता है कैसा ग्राफ बनेगा? फील क्या हो रहा है? इससे भी नीचे? तो एक काम करते हम लोग सिंपल लेके एक ड्रॉ कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो जब भी कंफ्यूजन हो तो बड़ा सिंपल है यार, कुछ अच्छी अच्छी वैल्यू जान पहचान वाली वैल्यू डालो इजी इजी और आंसर निकाल लो। तो मैं वाई बराबर ए को वन ले लेता हूं, अंडर रूट एक्स का ग्राफ बनाता हूं। सबसे पहले मैं एक्स जीरो डालूंगा, वाई क्या आएगा जनता बताए? जीरो। एक्स में वन डालूंगा तो वाई कितना आएगा? एक्स में फोर डाल रहा हूं। तुम कहोगे ये क्या बात हुई? हाँ यही बात है क्योंकि ये इजी है, वाई टू आएगा। फिर एक्स नौ डाल देते हैं, चलो ठीक है। अब हम थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, बताओ एक्स जीरो के लिए वाई, वन के लिए वन, वन के लिए वन, टू के लिए नहीं फोर के लिए, एक मिनट, फोर के लिए टू, फोर के लिए टू इधर कहीं होगा, और नाइन के लिए, तो यार अगर इन चीजों को कोई जोड़ेगा ना तो ये ग्राफ कुछ ये बढ़ता हुआ था, घटता हुआ नहीं है, जस्ट अ मिनट, ये तेजी से बढ़ता हुआ था, ये धीमे धीमे बढ़ता हुआ है, बढ़ नहीं रहा क्या? अच्छा बताओ x जब 9 हुआ तो y 3 हुआ, पहले y 1 था अभी 3 हुआ, तो y बढ़ा तो है ही है मगर तेजी से ना बढ़ के धीरे धीरे बढ़ रहा है भाई, उसमें अंडर रूट पावर है। क्या जनता समझ पा रही? तुम यार एक कोई रेफरेंस बना लो, बिल्कुल प्रॉपर करके देख लो तो तुम्हारे दिमाग में पक्का हो जाएगा कि भूल जाए तो कहां झांकना है, कहीं नहीं, बस वैल्यू डाल के देखो, तुम्हें खुद अंदाजा लग जाएगा कैसा ग्राफ है। अब इसकी फैमिली की बात करते हैं, और क्या हो सकता है? क्या बताओ वाई बराबर एक्स की पावर 1/3 भी तो हो सकता है? हाँ एक्स की पावर 1/3 ऐसे बनेगा, 1/4
वाई बराबर एक्स की पावर 1/10, सब ऐसे आएंगे। क्या इतनी बात सबको समझ आ रही है? तो वो बढ़ते हुए हैं और ये घटते हुए हैं। इस बार पावर अंडर रूट 1/3 इस तरह की पावर है। ऐसे कुछ फॉर्मूले याद आ रहे हैं किसी को? फॉर्मूले ऐसे याद आ रहे हैं? टी बराबर 2π अंडर रूट L/G है, तो टी वर्सेस एल ग्राफ कैसा होगा? टी वर्सेस एल ग्राफ ऐसा होगा। और कोई कोई फॉर्मूला याद दिलाएं फिजिक्स में? ये सब अभी हो गया यार, और कोई याद दिलाओ। नहीं याद आ रहा। हाँ, वी आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट 3RT/m। कोई पूछे वी आर एम एस वर्सेस टी, तो अंडर रूट में ऐसे ही बनेगा। तो इनके ग्राफ तो कोई पढ़ाता ही नहीं टॉपिक के दौरान, नहीं पढ़ाता है, लेकिन पूछने वाला पूछ देगा तो हम क्या कहेंगे कि सर ने नहीं पढ़ाया? ग्राफ हम मेनली दो ही टॉपिक में पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स या थर्मोडायनेमिक्स। बाकी जगह पे माना जाता है कि तुम समझ गए हो, लेकिन मैं नहीं मान रहा हूं यार, मैं बता दे रहा हूं, है ना, क्योंकि मानने से क्या होता है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। क्लियर है भाई लोग? नोट करते जाएं। नोट कर लिया है? ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है? इलिप्स। ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है तब तक वो इलिप्स है, और अगर ए और बी बराबर हो जाए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। बी भी ए के बराबर है तो इस लुक का आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये ए स्क्वायर एलसीएम आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या? ए स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? सर्किल। यानी इलिप्स और सर्किल में बस इतना ही अंतर है, ये दोनों अलग अलग हैं तो इलिप्स है, सेम है तो सर्किल है। पहले जगह छोड़ना है, अभी एक थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, पूरी करेंगे। वो नोट कर लिया यार सबने? तो यार एक बार लाइफ में कम से कम हम ऐसा कोई एग्जांपल लेके उसको ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। शायद ही कभी किसी ने किया होगा, बस मान लिया है तो हम लोग एक बार बना लेते हैं फिर मान लेंगे। आज एक बार पहली बार बना लेते हैं। मैंने यहां कोई वैल्यू ले ली है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कुछ ए टू ले लिया है और वाई स्क्वायर बाई बी वन ले लिया है, ईजी कर दिया है ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, बराबर क्या? वन। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 1 - x² / 2² ये आ गया। अच्छा, जब भी हम किसी चीज का अंडर रूट करते हैं तो हम यहां हाफ पावर लगाते हैं और यहां प्लस माइनस भी लिख देते हैं। ये प्लस माइनस क्यों लिखा जाता है? लॉजिक ये है कि प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, नहीं? तो अगर वाई 4 दिख जाए इसका मतलब x 2 है या माइनस 2, दोनों हो सकते हैं, तो वो प्लस माइनस संभावना यहां व्यक्त करी जाती है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? तो ये कितना आ गया? 1 - x² / 2² का अंडर रूट। चलो, हाफ पावर या अंडर रूट, ये क्लियर है? कोई दिक्कत है? चलो,
अभी मैं x जीरो डालता हूं, बताओ यार y कितना आएगा? क्या आ गया? अरे जीरो में किसी चीज से डिवाइड करो, क्या आएगा? x वन डालते हैं, y कितना आ गया? ये कुछ आ गया, 4 एलसीएम लोगे तो ये 4 माइनस 1 तो ये आएगा रूट 3 बाय 4, रूट 3 1.7 के आसपास होता है, तो ये 0.85 आ रहा है लगभग 1 डालने पे। बताओ, अच्छा x बराबर 2 डाल, अच्छा प्लस 1 डालो माइनस 1 डालो, फर्क पड़ेगा आंसर में कि नहीं? प्लस 1 डालो चाहे माइनस 1 डालो, स्क्वायर अंदर इन्वॉल्व है इसलिए आंसर में कोई फर्क। चलो प्लस 2 या माइनस 2 कुछ भी डालो, क्या आएगा? प्लस माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, क्या आएगा बताएं? जीरो आएगा, ठीक है। अगर मैं यहां 3 डालूंगा तो y अंडर रूट निगेटिव आ जाएगा, जिसका मतलब मीनिंगलेस है। तुम जरा करके देखो, 9/4 आएगा तो वो निगेटिव आ जाएगा, जिसका मतलब है मीनिंगलेस, यानी जो भी कहानी है वो 0 से 2 के बीच में है, ये हमें मैथ बता रही है, क्लियर है? चलो हम इसको ड्रॉ करते हैं। एक बार लाइफ में हर चीज ड्रॉ करके देखना चाहिए कि कैसे ये काम करता है। इलिप्स क्यों कह रहे हैं? बताओ x 0 पे y कितना है? 1 है, ठीक है। x 1 पे y कुछ कम है, 1 नहीं कुछ कम है, और 2 पे, अच्छा ये प्लस 0.285 है ना, क्या ये प्लस माइनस दोनों होता है कि नहीं? तो ये प्लस भी है और माइनस भी है, ये प्लस भी है और माइनस भी है। अच्छा यार वाई का आंसर भी प्लस माइनस में है ना, और एक्स का आंसर भी तो हम प्लस माइनस में डाल लें, तो बता एक्स माइनस वन के लिए क्या आएगा? यार एक्स माइनस वन डालोगे तो वाई प्लस माइनस 0.85 आएगा, और दो आंसर आएंगे, और वन डालोगे तो भी प्लस माइनस, ये मैं इतने डेटा में बहुत सारे पॉइंट बन गए। माइनस टू पे क्या आएगा? जीरो। इनको जरा मिला देते हैं, समझ रहे? एक बार हमें कम से कम समझ लेना चाहिए कि ये कैसे काम कर रहा है। अब जरा ध्यान दो, इसमें ये सर्किल जैसा है बट फैला हुआ, अंडाकार है, अंडाकार है। बताओ इसमें सर्किल जैसा है बट ये सर्किल नहीं है, क्योंकि सर्किल में एक जैसी रेडियस होती है। इसकी एक रेडियस कितनी है? 2, और एक रेडियस कितनी है? देखिए एक्स एक्स जीरो पे वाई कितना आया था? 1। तो यार इसकी दो रेडियस है, है ना, रेडियस एक बड़ी रेडियस है और एक, है ना, एक लार्ज रेडियस है और एक स्मॉल रेडियस है, है ना, 1। अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब फॉर्मूला मैंने लिखा था तो एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर था, यानी x में 2 और y स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर है, तो ये याद रखना बड़ा आसान है कि x के डिवाइड में जिसका स्क्वायर है वो बड़ी रेडियस है, बड़ी नहीं वो एक रेडियस है, वो छोटी भी हो सकती, क्या यहां 1 नहीं हो सकता? और y स्क्वायर बाई इधर जो है वो दूसरी रेडियस है, तो ये लुक हमारे लिए बड़ा अच्छा है। ये क्या है? 1 रेडियस, और ये क्या है? सेकेंड रेडियस, है ना, दो रेडियस यही मिल जाती, इसीलिए इस लुक में लिखा जाता है। इस लुक में लिखने के पीछे क्या लॉजिक है? कि दोनों रेडियस हमें सामने नजर आती हैं। क्या बात समझ पा रहे हैं? सब कुछ एकदम बिल्कुल नंबर लेवल पे कनेक्टेड है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं बताई जा रही। तो बता, इसको ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा? अब तुम्हें खुद समझ में आ गया होगा कि जब इसकी दोनों रेडियस ए है तो ये सर्किल बनेगा जिसकी ये रेडियस भी होगी, ये भी ए होगी, इसको ड्रॉ करने जैसी कोई बात है ही नहीं। इसका सेंटर पे और वो होगा,
नोट कर लिया भाई। कोई भी वैल्यू डाल के तुम इसको जब चाहो वेरीफाई करा सकते हो, जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज हो, कैसे होता है क्या होता है। तो छोटे से इतने से काम करने से हमें पक्का हो जाता है कि हम हर चीज जानते हैं। और हर जगह मैं यही तो कर रहा हूँ, वैल्यू डाल डाल के चेक कर रहा हूँ, इतना सबको पता ही, यही मतलब होता है किसी भी रिलेशन का। हाइपरबोला एक कॉम्प्लेक्स डिस्कशन है, उसका सबसे आसान डिस्कशन क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो हम लोग पूरे हाइपरबोला से हमें मतलब नहीं, हमको कोई मैथ्स नहीं पढ़ना है, हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से मतलब है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है y बराबर सी बाई एक्स, दैट्स इट। y में कितनी पावर है, 1, और x में कितनी है, अगर मैं ऊपर लिखूं तो x की पावर -1 है, नीचे लिखूंगा तो 1 है। तो देखो यार, नीचे 1 पावर होने से वो लाइन नहीं होता है, ऊपर जाने पे क्या पावर बनी है, -1। तो ये लाइन है या नहीं है, क्योंकि लाइन में ऊपर x होता था और पावर 1 होती थी, तो इसलिए ये लाइन तो नहीं है, है ना, नॉट अ लाइन। इसमें बड़ा कंफ्यूजन लोगों को ये होता है कि सर y बराबर समथिंग अपॉन x, तो x में भी एक पावर, y में भी एक पावर, तो सर ये लाइन होगा, तुरंत बोलते हैं फटाक से लाइन होगा, है ना। तो मैं कह रहा हूं लाइन नहीं होगा, प्रमाण क्या है, तुम कहो कैसे कैसे मान लें कि नहीं होगा। अरे तो वही प्रमाण है हर चीज का, तुम कुछ मान लो और ड्रॉ कर लो, खुद ही पता चल जाएगा। मैं एक काम करता हूं, सी को कुछ मान लेता हूं 4 बाई x, 1 भी मान सकते हो, बट 1 में थोड़ा गंदा आएगा, इसलिए मैंने 4 मान लिया। तो y बराबर 4 बाई x है, मैं सबसे पहले x 0 डालता हूँ, बताओ y क्या आएगा, 4 बाई 0। फिर मैं x, तुम्हारे पास 4 रुपए हैं, ठीक है, और एक भीड़ थी बाबा के लिए आई थी, बाबा भोले, तो सबको 0-0 बांटना है, तो कितने लोग बांट दोगे, तो डिवाइड तो यही होता है, और एक एक रुपए बांटना हो तो चार रुपए है तुम्हारे पास, वहां पर इन्फाइनाइट पैसा नहीं है, चार लोग कितने लोग बांट पाओगे, एक एक रुपए, चार लोग, तो डिवाइड करते जरा, वाई 4 डिवाइड बाई 1, तो कितना आएगा, 4, डिवाइड का ही तो मतलब होता है बांटना। तो 0-0 बांटोगे तो सबको ऐसे कह दोगे, दो तुम भी लो, तुम भी लो, और दे कुछ नहीं रहे हो, है ना, वही चरणों की धूल धूल के लिए दौड़ा दिया था यार, बताओ, और लोग दौड़ रहे हैं यार। कभी कभी लगता है ज्यादा गहरा ज्ञान देने से नहीं फायदा होता है, देने वाले का फायदा कम ज्ञान देने से और घटिया ज्ञान देने से, कभी कभी लगता है, जब ये बाबा लोग 1.5-1.5 लाख लोग कलेक्ट कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मुझे ये सरप्राइजिंग नहीं लगा कि ये सब हुआ, सबसे सरप्राइजिंग लगा कि इसका नाम आज तक मैंने नहीं सुना था, इसका मतलब इंडिया में इसके जैसे 100-200 लोग होंगे। जो अभी फेमस हुआ, उसने भगदड़, हाथरस में भगदड़ मचवा दी, उसका नाम जिंदगी में पहली बार सुना है। तो मैं इस बात से हैरान था कि यार इतना फेमस कोई आदमी जिसके लिए 1.5 लाख लोग आते हैं और हम उसका नाम नहीं जानते, इसका मतलब इंडिया में ऐसे लोग बहुत सारे हैं। अनु फोटो कॉपी कर, शिवम तुम लोग, अच्छा इससे हैरानी की बात तो ये है कि तुम लोगों को पता नहीं, तुम्हें पता नहीं ये हुआ है, दैट्स ग्रेट, इसका मतलब तुम लोग अब नीट के लिए ढंग से तैयारी कर रहे हो, वेरी गुड, अजब। कितने लोगों को नहीं पता था आज से पहले, मैं बता के तुम लोगों को डाइवर्ट कर दिया, मुझे अब अंदर से गिल्ट महसूस होगा यार, आज दिन भर ये सब जानता है,
इसकी नजर से कुछ नहीं बच सकता, इसको ये पता है कि इस मोहल्ले में क्या हुआ, शहर में क्या हुआ, यूपी में क्या हुआ, इंडिया में जितनी बड़ी घटनाएं हैं वो सब पता है। कल एक शादी थी फेमस, बताओ किसकी, पता है शादी में कौन कौन आया था? वो शादी में नहीं आया था, वो पहले आया था। चलो यार ठीक है, हाँ भाई, एक्स अगर टू डालेंगे तो क्या आएगा? टू, एक्स अगर थ्री डालेंगे तो क्या आएगा? वो वन पॉइंट कुछ आएगा। फोर डालोगे तो क्या आएगा? वन। ऐसे यार एक्स बराबर 1000 डालोगे तो क्या आएगा? 0.000 कुछ आएगा, है ना, कुछ आएगा नहीं। तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई, बताओ जरा, एक्स जीरो करस्पॉन्डिंग, जीरो मतलब जीरो से थोड़ा आगे या पीछे? जीरो, जीरो से थोड़ा आगे अगर डालेंगे तो प्लस इनफाइनाइट आएगा, जीरो से थोड़ा कम डालोगे तो नेगेटिव इनफाइनाइट आएगा। तो हम आगे की ही बात कर रहे हैं, प्लस इनफाइनाइट, यानी यार इनफाइनाइट पे एक डॉट रखना है तो उसको नीचे बुला लेते, मतलब है ऊपर तो दिखा देते कि हाँ ये जा रहा है। तो इतना कहाँ तक बनाएंगे यार, ट्यूब लाइट हटाना पड़ेगा। एक्स बराबर वन के लिए कितना है? फोर, यानी एक दो तीन चार यहाँ कुछ है, ठीक है। फिर बताओ टू के लिए कितना है? टू मतलब यहाँ कुछ, फिर है ना। और x बहुत लार्ज के लिए बहुत छोटा, x बहुत लार्ज के लिए बहुत छोटा, है ना। तो क्या ये लाइन बन रहा है? नहीं बन रहा है। प्रमाण क्या है? वैल्यू डालो, चेक करो, लाइन नहीं बन रहा है, दैट्स इट, डिस्कशन खत्म। इसके लिए कोई और नॉलेज डालने की जरूरत ही नहीं यार, मैं हर जगह यही चेक कर रहा हूं। बहुत ज्यादा मैथ्स इसके लिए हमें इन्वॉल्व भी नहीं कराना यार, सिंपल जो मतलब है ग्राफ का यही मतलब होता है, x डालो y पाओ। तो ये है यार, मुझे बताओ यार, सी अगर चार ना होके नौ होता तो इस डिस्कशन में ये तो इनफाइनिटी होता और हजार डालने पे ये बहुत छोटा आता, बीच में धीरे धीरे कम होता, मगर बेसिक नेचर यही होता। क्या ऊंचाई में इनफाइनाइट से शुरुआत होगी, इनफाइनाइट से, और आखिरी में वो जीरो को, जीरो हाइट को अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट हाइट से जीरो हाइट, ये पक्का है, सबका बेसिक नेचर यही रहेगा। तो मैं कह रहा हूं वाई और एक्स का ग्राफ अगर कहीं तुम्हें ऐसा दिख जाए, ऐसा दिख जाए, बस ये भी लॉन्ग और ये भी ऊपर कहीं जा रहा है, तो ये किस फैमिली का है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का है ये, एग्जैक्टली वाई बराबर वन बाई एक्स है। चलो मैं इसको लिख देता हूं वाई बराबर 1 बाई एक्स या सी बाई एक्स, कुछ भी। तो बताओ अगर सी बदलने लगेगा तो ग्राफ के नेचर में कोई फर्क? चलो मैं सी नहीं बदल रहा हूं, एक्स की पावर बदल रहा हूं, है ना, एक्स की पावर में वाई बराबर एक्स स्क्वायर कर दूं, है ना, वाई बराबर सी अपन एक्स स्क्वायर, ये पावर बढ़ गई है, तो वाई में बदलाव पहले के मुकाबले अब तेजी से होगा, तो ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे? तो ऐसा है ना कि जहां कंफ्यूजन हो तो चेक कर लो। बताओ टू डालने पर पहले टू आता था, अब स्क्वायर कर दोगे तो क्या आएगा? इसका मतलब क्या हुआ? कम हो जाएगा, यानी ग्राफ शुरू तो वहीं से करेगा इनफाइनाइट से, लेकिन इसके नीचे रहेगा रिलेटिवली, ये बात ध्यान दो यार, हर चीज का जवाब यहीं से। टू डालने पर भी टू आ रहा है, अगर यहां टू स्क्वायर कर दोगे तो आंसर क्या आएगा? वन, यानी जिस हाइट पे यहां टू होता था उस हाइट पे अब यहां क्या आएगा?
वन जिस एक्स के लिए, जिस एक्स के लिए यहां फोर आता था, अब यहां क्या आएगा उससे कम, यानी अगर वाई बराबर सी बाई एक्स ये है तो वाई बराबर वन बाई सी बाई एक्स स्क्वायर ये होगा एक्स क्यूब, है ना। आगे की कहानी इसकी सबकी सेम है, एक्स क्यूब ऐसे होगा। तो इन जनरल ये कुछ भी एन है और एन वन से ज्यादा है तो ग्राफ कहां आएगा, नीचे आएगा, नहीं एन वन से ज्यादा है तो ग्राफ नीचे आएगा। और क्या हो सकता है बताए, वाई बराबर अंडर रूट एक्स है, एन वन से कम है, जीरो से ज्यादा है, वन से कम है, बताओ अंडर रूट एक्स है, पर अब समझ गया हो गया, अंडर रूट एक्स है, चलो अंडर रूट करते हैं, फोर बाई टू आया है टू, फोर बाई अंडर रूट टू क्या आएगा, अंडर रूट टू 1.4 होता है तो टू से, यानी ये ग्राफ y बराबर 1 अपॉन c बाई अंडर रूट x ऊपर आएगा, तो y बराबर c बाई x की पावर 1 बाई n, यार अंडर रूट का मतलब क्या होता है, हाफ, हाफ होता है कि नहीं। तो इन जनरल अगर मैं कहता हूं कि ये सीन है, या ऐसे कह देता हूं चलो x बाई n और n 1 से छोटा है, जीरो से बीच क्या है, जीरो से वन के बीच में, मतलब n का मतलब क्या, हाफ भी हो सकता है, वन थर्ड भी हो सकता है, वन टेंथ, तो ये ग्राफ कहां जाएगा, ये कंपैरिजन के लिए है, बेसिक नेचर तो सबका एक जैसा है, यानी तुम्हें चार ऑप्शन दिए जाएंगे तो संभावना ये है कि बस यही ग्राफ हर जगह बना होगा, इस पूरी फैमिली का ग्राफ यही बना होगा, इस पूरी फैमिली का ग्राफ यही बना होगा, जब दो कंपेयर नहीं करना है तो फिर एक ही बना होगा, क्या जनता समझ गई है। अच्छा x नेगेटिव हो जाए तो क्या, ए n नेगेटिव हो जाए तो क्या, n अगर नेगेटिव हो गया है मान लिया माइनस टू हो गया है तो इसको ऊपर लिख दो, तो वो यार ये हो जाएगा, वो तो हम पहले ही कर चुके हैं, यहां n अगर नेगेटिव हो जाए तो वो आ जाएगा, तो इसलिए हम अलग ही रखें दोनों को, ये पैराबोला और उसके सिमिलर है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और उसके सिमिलर है। कुछ एग्जाम्पल याद करते हैं इस कैटेगरी के। अच्छा अगर निगेटिव हो जाए तो जो ऊंचाई पे आ रहा है वो नीचे आने लगेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, है ना। यानी कितने ऐसे फॉर्मूले हैं, जरा याद दिलाओ मुझे फिजिक्स में, क्या u बराबर के क्यू बाई आर, के क्यू फिक्स है, u और r, u वर्सेस r ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, हाँ ये फिक्स है, तो ये e वर्सेस n, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, उसी के जैसा है, ये वाला हो गया कि नहीं, सॉरी अगर ऐसा हो गया तो यही ग्राफ, ये माइनस सी बाई एक्स स्क्वायर टाइप का ग्राफ होगा, यही आज पूछ रही थी, लेके आई थी, हो गया, इसी फैमिली का है डिस्कशन। मुझे बताओ ई बराबर, और भी फॉर्मूले हैं, काइनेटिक एनर्जी होता था प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन टू आर, तो ये फिक्स है, के वर्सेस आर कैसा होगा, सबके जवाब यही इधर छुपे हैं यार, हम लोग दुनिया भर में ना पढ़े, और बताओ जरा, और कुछ बताओ, लेमडा बराबर एच बाई पी, हाँ ये ग्राफ तो मैं बताना ही भूल गया मॉडर्न फिजिक्स में, पी तो अगर पी की जगह एम वी लिख दे, तो खैर इसमें लिख दे लेमडा वर्सेस पी ग्राफ कैसा होगा, लेमडा वर्सेस वी ग्राफ कैसा होगा, सिमिलर ही होगा सब ग्राफ। तो यार फिजिक्स तो ऐसे फॉर्मूले से भरा पड़ा है हर टॉपिक में, बताओ अच्छा f बराबर जी एम एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, कूलॉम्स लॉ, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, सब यही देखना यार, मुझे लगता है कि 70% फॉर्मूले तो यही इनवर्स स्क्वायर लॉ वाले होते, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, नहीं अरे म्यू नॉट आई बाई टू आर, स्ट्रेट लाइन का म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, तो इसका मतलब यार सबके ग्राफ यही हैं, तो क्या हर टॉपिक में जा जाके हम क्या नाटक करें,
हर जगह लिखें, पहले फॉर्मूला लिखें, फिर बगल में ग्राफ बनाए, फिर फॉर्मूला, सबके फॉर्मूला, सबके ग्राफ, ये नाटक ही है यार, और कुछ नहीं भाई। पन्ने भरना नाटक ही है यार, जबरदस्ती किताब मोटी करना है तो मोटी कर लो, समझना है तो यही समझ लो, नहीं समझना है तो वहां भी 10 बार लिखने से क्या फायदा। क्या जनता समझ पा रही है यार, फिजिक्स इतनी भी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी किताबें होती हैं, है ना। हमें उसको फोल्ड में पढ़ना है। पढ़ाई का मतलब क्या होता है कि पैटर्न समझना, जिससे हमें पढ़ाई छोटी लगने लगे। अगर रट सकते थे तो फिर तो कोई बात ही नहीं यार, लॉजिक की कोई बात ही मत करो, ऐसे स्कैन करो सब मेमोरी फीड हो गई। हम लोग लॉजिक इसीलिए ऊपर वाले ने हमें दिया है कि हम चीजों के पैटर्न में देखें, एक तरह के पैटर्न एक साथ समझ लें, है ना। सबके लिए थोड़ी मेमोरी खर्च करेंगे, मेमोरी की ज्यादा जरूरत नहीं, लॉजिक की ज्यादा जरूरत है फिजिक्स में। क्या तुम समझ पा रहे हो कितने बड़े पैटर्न को हमने यहां कवर कर लिया है। अब सब जगह जा जाके हम बात करें अथवा ना करें, फेमस बातें मैं करूंगा, ऐसा नहीं कि वहां करूंगा नहीं, जो फेमस है वो मैं करूंगा, लेकिन कोई छूट जाए तो कोई ये क्लेम ना करे सर लैम्डा बराबर एच बाई पी में लैम्डा वर्सेस पी ग्राफ आप बताना भूल गए हैं, तो फिर मैं कहूंगा यार मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली। हाँ फिर तो यार क्लियर है भाई। नहीं यार अभी खत्म नहीं हुआ यार, अभी कितना 12:30 बजे शुरू करेंगे, ग्राफ पूरा पूरा खत्म कर दे भाई। तुम्हें यार साइन और कॉस के ग्राफ याद है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए थे। इलिप्स हो गया है, हाइपरबोला हो गया है, साइन कॉस के ग्राफ में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा चुका हूं, है ना, ये सारी चीजें कवर हो गई। एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ मुझे बताना है, एक्सपोनेंशियल वाई बराबर ई की पावर एक्स। मैं प्लस एक्स बता रहा हूं, माइनस एक्स क्या होता है अभी मैं उसका पूरा पैटर्न बताऊंगा। वाई बराबर ई की पावर, तो ये कुछ देख के अजीब लग सकता है बट e की वैल्यू 2.7 के आसपास होती है, तो ये फॉर्मूला एक तरह से 2.7 की पावर x है। चलो मैं तुमसे इजी करता हूं, बताओ 3 की पावर x का ग्राफ बनाना है, ये उससे थोड़ा कम है, तो बताओ जरा x 0 पे y क्या आएगा, 3 की पावर 0 1, x 1 पे y क्या आएगा 3, x 2 पे क्या आएगा 9। ये थोड़ा छोटा है तो थोड़ा छोटी छोटी वैल्यू आएंगी, मतलब 2.7 का स्क्वायर करोगे तो थोड़ा कम आएगा, लेकिन नेचर तो सेम ही रहेगा भाई, 3 का स्क्वायर करो 2 का स्क्वायर करो नेचर वही रहेगा। तो इसका ग्राफ हम बनाते हैं, एक बार बना ही लेते हैं, जब कंफ्यूजन हो तो बस यही वैल्यू डालो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा नेचर कैसा है। इसके लिए पन्ने पलटने की जरूरत नहीं यार, किताब में पन्ने पलटना मतलब तुम किसी की नॉलेज को अडॉप्ट कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, और यहां तुम नॉलेज जनरेट कर रहे हो, तो क्या ज्यादा अच्छा है। जनरेट करना, उससे तुम्हें लगेगा हमें सब समझ में आ रहा है, यही होना चाहिए, तो हम सीधे यहीं से जनरेट कर रहे हैं। बताओ जरा x 0 पे y 0, 1 पे कितना 3, 2 पे कितना 9, ऐसा कुछ। एक्सपोनेंशियल नहीं कहते यार, तुम्हारी ग्रोथ बड़ी एक्सपोनेंशियल हो रही है, मतलब क्या हुआ कि वो बहुत तेज तरक्की कर रहा है, तो ये तेज तरक्की नहीं है, x थोड़ा बढ़ रहा है y तेजी से बढ़ रहा है। तो ये y बराबर e की पावर x का ग्राफ है, जस्ट अ मिनट, x 0 पे y 1 था, सॉरी x 0 पे y क्या था, अच्छा यहां हम नेगेटिव वैल्यू भी डाल सकते हैं, बदर x माइनस 1 पे y कितना आएगा, हाथ कर लो, x माइनस 1 पे y कितना आएगा 3 की पावर माइनस 1 यानी 1 बाई, x माइनस 2 पे y कितना आएगा 1 बाई 9। यानी अब जैसे जैसे हम माइनस और माइनस करते जाएंगे तो ये वैल्यू तेजी से घटेगी, और अगर एक्स कोई माइनस माइनस 1000 कर दे तो वाई क्या आएगा, यानी 1/3 की पावर 1000। तो क्या ये आंसर 0 के बहुत करीब आएगा, ये पूरा ग्राफ है एक्सपोनेंशियल का, क्लियर है।
अच्छा बताओ, अगर मैं e की पावर x की जगह e की पावर माइनस एक्स कर दूं, माइनस एक्स, माइनस एक्स, चलो y बराबर 3 की पावर माइनस एक्स कर दूं, तो 1 डालने पर ये अपने आप माइनस 1 बन जाएगा। तो जो आंसर नेगेटिव के लिए आ रहे थे और जो पॉजिटिव के लिए आ रहे थे, यानी ये ग्राफ पलट के इधर चला जाएगा। चलो बस इतना समझ लिया, अभी मैं इस पे पूरी बात करने वाला हूं। साइन कॉस अगर किसी को भूल गए हैं तो मैं याद दिला दूं, यार साइन का ग्राफ ऐसा होता था, वाई बराबर साइन एक्स ऐसा, और कॉस एक्स कैसा होता था? देखो यार याद कैसे रहता है, साइन जीरो एक्स बराबर जीरो पे साइन जीरो क्या होता है? जीरो। तो देखो यार ये आंसर जीरो है कि नहीं। कॉस कैसे याद रहता है? एक्स जीरो डालने पर वाई बराबर कॉस जीरो वन, तो ये ऊंचाई वन रहेगी, बस ऐसे याद रहता है यार। दोनों एक जैसे हैं, बट एक में जीरो पे जीरो है और एक में जीरो पे वन है। हर चीज का जवाब यहां से है, और ये मुझे लगता है सबको समझ आना चाहिए कि हमें जब जरूरत पड़े हम उसको ड्रॉ करके समझ सकते हैं। इसके पीछे कोई और साइंस कोई मैथ सोचने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग पढ़ाते हैं तो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा डालते हैं, तो इतना भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें कोई मैथ्स का मास्टर नहीं बनना है, हमें फिजिक्स अप्लाई, फिजिक्स में मैथ्स अप्लाई करना सीखना है बस। नोट करते जाए, हमने अभी तक बेसिक ग्राफ पढ़े हैं, बेसिक ग्राफ जो 90% फॉर्मूले में फिट हो जाते हैं, 90%। लेकिन कभी कभी फॉर्मूले बेसिक से थोड़ा हट के होते हैं, उनका लुक अजीब नजर आता है, ऐसा लगता ही नहीं कि ये पैराबोला है या इलिप्स है या सर्कल, लेकिन होते वही हैं। उनमें एक्चुअली थोड़ा बदलाव कर दिए जाते हैं। बदलाव मतलब कि सर्किल ऐसा है जिसका ओरिजिन पे सेंटर है, तो उसकी इक्वेशन सबसे आसान है, लेकिन उसको खिसका के राइट रख दो इक्वेशन बदल जाएगी, ऊपर रख दो बदल जाएगी, नीचे रख दो बदल जाएगी। जैसे हमने पढ़ा y बराबर x स्क्वायर, तो क्या x जीरो पे y जीरो होता है कि नहीं? लेकिन अगर मैं उस ग्राफ को खिसका के x बराबर जीरो से x बराबर वन पे शिफ्ट कर दूं, तो उसकी इक्वेशन बहुत गंदी हो जाती है, बहुत गंदी हो जाती है। तब भी हमें पहचानना आना चाहिए, है ना। कई बार क्या है, कोई नई सिचुएशन में नए फॉर्मूलों के लेके तुम्हें अंदाजा लगाना पड़ेगा ये ग्राफ किसका है, तो वो उसकी कुछ शिफ्टेड टेक्निक है, मैं बता रहा हूं। अगर कोई ग्राफ मैं ऐसे लिख देता हूं y बराबर एफ एक्स है, तुम कहोगे एफ एक्स क्या, ये कुछ भी है, मतलब नहीं होता एविंग ग्राफ, एविंग ग्राफ ये एफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल के तौर पे हम इजी लिख देते हैं वाई बराबर एक्स स्क्वायर। जब मैं एफ एक्स लिखता हूं तो तुम्हारे मन में कुछ भी आ सकता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर, वन बाई एक्स, कुछ भी है। मैं कुछ भी के लिए बातें कर रहा हूं, मतलब ये जो रूल अभी मैं पढ़ा रहा हूं वो किसके लिए काम करेंगे? सबके लिए काम करेंगे? नहीं। एक एग्जाम्पल मैं साथ में लेके चलूंगा क्योंकि ये इससे काफी फैमिलियर है और काफी फेमस भी है। मान लिया ये कोई ग्राफ है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है। इसमें हम कितने तरह के बदलाव कर सकते हैं? अगर ये एफ ऑफ y बराबर एफ एक्स है तो y बराबर एफ ऑफ x प्लस एक ऐसा होगा, और y बराबर x f ऑफ x माइनस एक ऐसा होगा। तो यार ये ग्राफ कुछ ऐसा था, ऐसा था, ये y बराबर f ऑफ x माइनस ए है, है ना। जब भी यार फंक्शन में कुछ कम कर दिया जाता है तो वो राइट खिसक जाता है। ये कितना राइट खिसक गया है? ए राइट खिसक गया है।
मैं एक एग्जांपल बताऊंगा तब बात समझ में आएगी। जैसे वाई बराबर एक्स स्क्वायर तुम पढ़ते हो, ऐसा होता है तो वाई बराबर एक्स माइनस टू स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा जरा देखो। यहां एक्स जीरो डालने पर वाई जीरो आता था, यहां एक्स टू डालने पर, यानी जो काम एक्स जीरो पे होता था वो काम अब कहां हो रहा है, टू पे। तो इसका ग्राफ दो डिजिट राइट खिसक जाएगा। राइट क्यों? क्योंकि प्लस टू डालने पे ही तो जीरो हो रहा है, ये राइट शिफ्टिंग है। राइट शिफ्टिंग में बीच में क्या आता है, माइनस। अब देखो ऐसा देखने को मिल रहा है तो फिर भी अच्छा लग रहा है, तुम्हें ऐसा देखने को मिल जाए क्या ये चीज और ये चीज सेम है कि नहीं है? अरे ये और ये सेम ही लिखा है, इसको स्क्वायर खोल दिया है, बताओ ये पैराबोला है कि नहीं है? लेकिन ये शिफ्टेड पैराबोला है। ये पैराबोला बड़ी जल्दी हजम हो जाता है, लेकिन ये पैराबोला हजम नहीं होता है। इस लुक में आ जाए तो हमें ये भी नहीं दिखता कितना खिसकाया है। अगर तुम्हें ये देखना है कितना खिसकाया है तो इस लुक में लाना पड़ेगा, शिफ्टेड पैराबोला है। बात क्लियर है? मैं अभी ये चीज बता रहा हूं, शिफ्ट अप शिफ्ट डाउन। चलो क्या ये बात समझ गए? तो अब मैं सारी बातें यहां लिख रहा हूं, तुम समझ जाना। तो फिर तुम समझ गए होगे कि अगर कोई ग्राफ लेफ्ट एक हिस्का दिया है तो वो कैसे लुक में नजर आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस ए। बात क्लियर है? अगर कोई ग्राफ वाई बराबर एफ एक्स के साथ कुछ सी जोड़ दिया गया है, सी जोड़ दिया गया है, तो ये ऊपर खिसकेगा या नीचे खिसकेगा? एफ एक्स में सी जोड़ा गया है तो हमारे दिमाग में यही ख्याल है, जैसे सर आपने यहां एक्स माइनस ए किया था तो राइट खिसका था तो ये नीचे खिसकेगा, ये नहीं है, यही मैं बताना चाह रहा हूं। ये मैंने एफ एक्स के साथ सी जोड़ा है, वाई के साथ अगर मैं सी को इधर ले आऊं तो ये वाई के साथ सी माइनस हुआ है। तो देखा जैसे एक्स के साथ माइनस हुआ था तो राइट खिसका था, वाई के साथ माइनस हुआ है तो ये ऊपर खिसकेगा, ऊपर। मुझे लगता है ऐसे समझने के बजाय तुम ऐसे सोचो कि एफ एक्स की जो भी वैल्यू हुआ करती थी उसमें सी जुड़ जाना है। नहीं, जैसे कोई तुमसे कहे y बराबर x स्क्वायर ये है तो इस ग्राफ को दो अंक ऊपर खिसकाना है, दो डिजिट, तो इसका ग्राफ होगा x स्क्वायर प्लस, यानी x जीरो डालने पर y अब क्या आएगा, टू। तो ये टू राइट साइड जुड़ा है, y में नहीं जुड़ा है, क्या समझ पा रहे हो यार? तो ये ग्राफ c ऊपर चला गया। तो बता y बराबर एफ एक्स माइनस सी कैसा होगा, ऐसा चार तरह। अच्छा क्या कोई ग्राफ यहां नहीं बनाया जा सकता, ऐसा बनाया जा सकता है? ये y बराबर एफ एक्स माइनस ए में कुछ जुड़ के बना है, ये तो बहुत गंदा लुक आगा। अगर ऐसा मैं पैराबोला बना दूंगा तो बहुत गंदा लुक आ जाएगा, तो वो भी है पैरा ही बोला, उसकी टॉप पावर देखो जरा, टू है और y में वन है तो वो पैराबोला है। क्या जनता समझ में आ रही है? जनता समझ पा रही है? मतलब ये बात क्लियर हो गई है? तो मैं इस बात का जवाब देना चाह रहा हूं कि लोग इसको भी पैराबोला लिख देते हैं तो क्यों? क्योंकि ये शिफ्टिंग के बाद वाला पैराबोला है, दैट्स इट। बात क्लियर है? तो ये तीन नंबर पे मैंने दिया है, वहां तीन नंबर हेडिंग है, वन नंबर पे आते हैं। ये कोई ग्राफ है y बराबर एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स है, ये नोट कर ले तो फिर मैं बताऊं।
तो यार वाई बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स कैसा होगा? और y बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स कैसा होगा? तो ऐसे कहते हैं कि हम लोग x की पॉजिटिव वैल्यू डालने पे कुछ आउटपुट निकाल रहे थे, नहीं तो ये फंक्शन क्या है कि इसके अंदर पॉजिटिव डालो कुछ आउटपुट आता है। अब वही आउटपुट पाने के लिए हमें x कैसा डालना पड़ेगा? नेगेटिव। मतलब जो आउटपुट पहले पॉजिटिव के लिए आता था वो अब किसके लिए आने लगेगा, और जो नेगेटिव के लिए आता था, यानी आप तुम सोचो यहां एक मिरर बना दो, तो मिरर क्या करेगा, इसकी इमेज इधर बनाएगा और इसकी इमेज इधर बनाएगा, तो ये क्या हो गया, मिरर इमेज है किसके अबाउट, अबाउट एक्स एक्सिस, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज है। इसका मतलब क्या हुआ, तुम ऐसे समझो, मतलब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है y एक्सिस का मिरर इमेज, कि जो वैल्यूज पॉजिटिव डालने पे पहले कुछ मिल रहा था अब नेगेटिव डालने पर वही मिलेगा, यानी x पॉजिटिव डालने पे जो ऊंचाई मिल रही थी अब नेगेटिव डालने पे वही ऊंचाई मिलेगी, तो नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा समझ लो। क्लियर है? तो y बराबर, क्या ऐसा भी हो सकता है, तुम समझ गए होगे ये किसका आंसर क्या होगा, ये क्या होगा, मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस। देखो यार ऐसा है कि आम तौर पे ऐसा लुक कभी लिखा हुआ मिलता नहीं है, तो क्या देखने को मिलेगा, ये माइनस दोनों उस तरफ ले जा सकते हैं कि नहीं, ऐसा देखने को मिलेगा, एक ही बात है, ये लिखो या ये लिखो अलग बात है, क्या एक ही बात है, एक ही बात है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स का मतलब होता है ऊंचाई जो मिलेगी, तो पहले जो ऊंचाई मिलती थी अब ये उसकी अपोजिट ऊंचाई मिलेगी, नहीं मतलब क्या हुआ, पहले ऊंचाई मिली थी ऊपर, अब कहां मिलेगी, जो चीज ऊपर थी वो कहां चली गई, नीचे, और जो चीज नीचे थी वो कहां चली गई, ऊपर। मैं चीजें बताता हूं, बताओ, अच्छा चलो इधर इधर थोड़ा क्लियर कर ले फिर नोट करें, y बराबर एक्स स्क्वायर क्या होता है ना, इसका यार माइनस एक्स स्क्वायर करोगे फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये हिस्सा इधर आ जाएगा और ये हिस्सा इधर चले जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, नीचे चला जाएगा, यही मैं बता रहा हूं यहां पे, कि बाहर माइनस लगने से जो ऊंचाई ऊपर होती थी वो नीचे आ जाएगी, बस इतना फर्क है, समझ गया। ये एग्जाम्पल इसी बात को पक्का कर रहा है, अभी ये थ्योरी किसके लिए लगा सकते हैं, तो मैं कहूंगा जितनी चीजें तुम जानते हो, साइन, कॉस, एक्सपोनेंशियल, सब पे लग सकती है। सोचो मैंने इतने सारे बेसिक ग्राफ बताए हैं, उन सब में ये बातें अप्लाइड हैं। जैसे y बराबर 1 बाई एक्स स्क्वायर, याद है यार y बराबर 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है, ऊपर वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, तो बताओ यार y बराबर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर कैसा होगा, नीचे वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अपने पास रख लो यार फोन, क्या समझ गया यार? इसका एग्जाम्पल एनर्जी वाला एग्जाम्पल, एनर्जी माइनस समथिंग बाई आर थी तो नीचे आ गया, तो इसका मतलब ऐसी भी चीजें फिजिक्स में भरी पड़ी हैं, जो ऊपर है वो क्या बन गया, नीचे। क्या बात समझ में आ गई यार? ये शिफ्टेड ग्राफ है, यानी बेसिक में माइनस लगा दिया गया, तो सबके साथ माइनस हो। अच्छा बताओ साइन ग्राफ अभी मैंने बताया था, ऐसा होता है कि नहीं, तो माइनस साइन ग्राफ वाई बराबर साइन एक्स ऐसा होता है, तो माइनस साइन एक्स कैसा होगा, ये y बराबर माइनस बनी बात है यार। तो तुम ये पैटर्न समझोगे तो तुम्हें लगेगा यार, तो हम अब ये सबके साथ लगा सकते हैं, यानी ये सारी बातें जो मैं अभी शिफ्टिंग बता रहा हूं ये सब ग्राफ के लिए वैलिड है। तो ये मिरर इमेज वाली बात समझ में आ गई है, मिरर इमेज y एक्सिस, मिरर इमेज x एक्सिस, बात क्लियर है?
शिफ्ट अप डाउन बता दिया मैंने, हाँ शिफ्ट अप डाउन ऑन वाई एक्सिस, हाँ शिफ्ट डाउन, शिफ्ट लेफ्ट राइट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। एग्जाम्पल ऑन फिजिक्स में बीच बीच में बताते जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे कुछ बहुत फेमस बातें करने वाला हूँ जिनके ग्राफ एक्चुअली शिफ्टेड ग्राफ हैं, लेकिन तुम लोग जैसे यार एक एक रिलेशन होता है n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी, नहीं या r बराबर r नॉट, ये रेडियो एक्टिविटी का है, केमिस्ट्री में तो होता ही है, केमिस्ट्री में तो रेडियो एक्टिविटी नहीं हटाना, काम का है। जैसे कई बार ये ग्राफ देखने में मिलता है I नॉट e की पावर माइनस टी बाई आर सी, ऐसा कुछ, ये फिजिक्स में फ्रीक्वेंट है। और एक ग्राफ और होता है समथिंग वन माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ऐसा, ये फिजिक्स के बहुत फेमस लुक हैं, ये दो तीन फेमस लुक हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों जगह कई बार आते हैं। तो एक्सपोनेंशियल तो मैं बता चुका हूं ना, तो ये बेसिक एक्सपोनेंशियल है या शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल है? शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल है। अच्छा बताओ बेसिक एक्सपोनेंशियल क्या हो? ये नोट कर लिया ना सबने, बेसिक एक्सपोनेंशियल अगर कोई कहता है वाई बराबर ई की पावर एक्स, ऐसा होता था अभी पढ़ाया मैंने पीछे देखो, तो ई की पावर माइनस एक्स वाई के बाहर, माइनस एफ एक्स के बाहर माइनस नहीं लग रहा, एक्स में माइनस लग रहा है, देखो जरा, जब एक्स में माइनस लगता है तो इधर वाली चीज, यानी इसका ग्राफ कैसा बनेगा तुम बताओ मुझे? इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना। आम तौर पे टाइम नेगेटिव में होता नहीं है, और क्योंकि नेगेटिव में होता नहीं है तो ये ग्राफ हटा देंगे तो इतना देखने को मिलता है, याद आ रहा है, ये रेडियो एक्टिविटी का भी ग्राफ है, इस फॉर्मूले का ग्राफ है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी यही होगा, नहीं है माइनस टी जो है, तो ये एक्सपोनेंशियल का शिफ्टेड ग्राफ है, जब जब तुम्हें ऐसा देखने को मिले माइनस पावर में तो ये उसका ग्राफ है। क्या जनता समझ पा रही है? ए माइनस ए ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये थोड़ा मुश्किल है समझना, बट एक बार मैं समझाना चाहता हूं तुम्हें समझ में आएगी शिफ्टिंग होती क्या है, क्योंकि ये समझने का मतलब तुम्हें सब समझ में आ गया। मुझे बताओ ये किसका ग्राफ है? y बराबर समथिंग e की पावर माइनस x, got it? e की पावर माइनस x, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ अगर y बराबर माइनस समथिंग e की पावर माइनस x आ जाए तो, यानी एक माइनस बाहर भी लग गया, तो जो ग्राफ ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, यानी इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, जस्टिफाइड भाई, जो ऊपर था वो नीचे आ गया, इसी का मिरर इमेज है, और इस बार मिरर इमेज में ऊंचाई में ऊपर जो होता था वो नीचे आ गया, जो पॉजिटिव होता था रिजल्ट पॉजिटिव मतलब ऊंचाई पॉजिटिव, वो रिजल्ट कैसा आने लगा? नेगेटिव में। अब इसमें कुछ जोड़ दिया जाए, ये आमतौर पर जैसे यहां ए लिखा है तो यहां ऊंचाई ए ही आती है, वन लिखा है तो वन ऊंचाई आती है, अब अगर इसमें कोई ए जोड़ दे तो क्या हर ऊंचाई ए ऊपर चली जाएगी? भाई जो इधर है वो ए ऊपर चली गई, जो इधर है वो ए ऊपर चली गई, जोड़ने का तो मतलब सबको पता ही है। ये ग्राफ पता है किसका है? इस लुक का ये ग्राफ है, ये भी बड़ा फेमस है फिजिक्स में, ये भी बड़ा फेमस है, इसका ग्राफ भी पूछा था, ऐसे लुक में कई बार फॉर्मूला देंगे और तुम्हें ग्राफ पूछ लेंगे, फेमस है इसलिए मैं बता रहा हूं, ये भी बहुत फेमस है। तो अब होमवर्क क्या है तुम्हारे लिए? इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं या तो बेसिक हैं